हेलो गाइस, प्रशांत एंड पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं चिकमंगलूर। हाय हाय, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना है, बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। चिकमंगलूर कर्नाटक के पश्चिमी भाग में स्थित एक खूबसूरत जिला है। यह ज़्यादातर अपने कॉफ़ी बागानों, सुखद जलवायु के लिए लोकप्रिय है। हरियाली के कारण यह हिल स्टेशन आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अब आइए जानते हैं कि चिकमंगलूर का नाम कैसे पड़ा। चिकमंगलूर का शाब्दिक अर्थ होता है छोटी बेटी की भूमि। इसका इतिहास समृद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है सालों पहले इस जिले की जमीन एक महान सरदार की छोटी बेटी को दहेज के रूप में दी गई थी। इसी तरह इसका नाम चिकमंगलूर पड़ा। फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। सफर चिकमंगलूर की यात्रा जब भी करें तो आप मौसम के हिसाब से करें, क्योंकि सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो सितंबर से लेकर मई तक होता है, क्योंकि वहाँ उस टाइम वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और मनमोहक होता है। चिकमंगलूर 3400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिल स्टेशन है जो आपको काफ़ी प्रभावित करता है। चिकमंगलूर की यात्रा जब भी करें तो आप मौसम के हिसाब से करें, क्योंकि सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो सितंबर से लेकर मई तक होता है, क्योंकि वहाँ उस टाइम वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और मनमोहक होता है।
तो हम जा रहे हैं मूल्यांकनगिरी, जो कि चिकमंगलूर के सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। यह कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 6000 फीट ऊंचाई पे है। चोटी के शीर्ष पर आपको एक सुंदर मंदिर भी दिखाई देगा, जिसको शिव जी को समर्पित किया गया है। कई श्रद्धालु समर्पण और विश्वास के साथ इस मंदिर तक जाते हैं। वैसे तो यह चिकमंगलूर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कॉफ़ी का सबसे पहले चिकमंगलूर में ही बनाई गई थी। यहाँ के लोगों से पूछें तो आपको बताएंगे बाबा बुद्धन, जो कि एक मुस्लिम संत थे, 1670 में यमन से कॉफ़ी के बीज लाए और यहाँ उनकी खेती की। वहीं से वृक्षारोपण हुआ और अंग्रेज़ों ने भी विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं चिकमंगलूर का नज़ारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं और यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं, यहाँ से हिल क्लाइंब। और यहाँ पर देखिए, काफ़ी हाइट पे है और ये यहाँ का पीक पॉइंट है। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं बह रही हैं। अगर आप कभी चिकमंगलूर आइए तो गर्म यानी कि ऊनी वस्त्र पहन के आए। जो आप ये देख रहे हैं, कर्नाटक की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है मूल्यांकनगिरी,
जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ से पूरा शहर इतना खूबसूरत दिखता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी भी आए तो मूल्यांकन गिरी जरूर आए। चोटी के शीर्ष पर आपको एक सुंदर मंदिर भी दिखाई देगा जिसको शिव जी को समर्पित किया गया। कई श्रद्धालु समर्पण और विश्वास के साथ इस मंदिर तक जाते हैं। वैसे तो यह चिकमंगलूर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है,